व्यास पे सामने उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स, पालक और मेरे विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले मां सरस्वती मां के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और आज व्यासपीठ पर मेरे जो गुरुजी हैं सुरेंद्र गांधी साहब, डॉक्टर विनोद जी और आप सभी मान्यवर, आपको वंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में जो मां शक्ति, देवी शक्ति उपस्थित है, उनको वंदन करता हूं। और आज के एंकर हमारे संजय भाई साहब, पता नहीं किसी ने शीतल भाई साहब ये ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन ये महाभारत काल से ये प्रथा चली आ रही है कि जहां एक अंध है, जहां एक दृष्टि बाधित है, वहां एक संजय जी का होना निहायत आवश्यक है। बहुत भव्य व्याख्यान में हिस्सा लेने का मौका मिला शीतल जी, लेकिन आज की ये व्याख्यान वाला भव्य तो है ही, अति भव्य है, लेकिन उसके साथ साथ वो दिव्य भी है, क्योंकि फ्रेंडशिप डे के इस पावन अवसर पर विद्यार्थियों का और उनके टीचरों का आपस में इस तरह से मिलना, निस्वार्थ भाव से, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में, एक सहजता के साथ, ये कहीं पे अनुभव नहीं होता। और आप सबकी उपस्थिति में जो आज एक जबरदस्त ऊर्जा, एक जबरदस्त एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूं, उसके लिए शुरुआत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अरे धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, हम खुशबू की तरह फूलों से उड़ते हैं, और ये अंधेरे की कैचियां हमें खाक रोकेगी। हम पंखों से नहीं अपितु हौसलों से उड़ते हैं, हौसलों से उड़ते हैं, हौसलों से उड़ते हैं। मैं सुन रहा था कि कुछ महीने पहले इस व्याख्यान वाला का पहला पुष्प मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई माननीय श्री यजुवेंद्र महाजन जी के हाथों शुरुआत हुई। क्या जबरदस्त व्यक्ति, क्या जबरदस्त काम। और उसके साथ साथ जो दूसरी व्याख्यान थी, मेरे मेंटर सुनील देवधर जी, उन्होंने खरे अर्थ में विद्यार्थी हिताय पालक सुखाय, ये VHPS, ये जो संकल्पना है, इसको बहुत बड़ी ऊंचाई दी हुई है। बस हम कोशिश करते हैं कि एकाग्रता और अनुशासन के साथ उस ऊंचाई को एटलीस्ट छूने की कोशिश करें, और आप सब मान्यवरों के आशीर्वाद रहे तो ऊंचाइयों से भी और ज्यादा ऊंचाई की ओर अग्रसर होने की कोशिश करें। समाज में शीतल भाई साहब, उज्ज्वला बहन, डॉक्टर विनोद जी, कुछ लोग धर्म का काम शुरू करते हैं, बड़ी वाहवाही होती है, बड़ी मीडिया कवरेज मिलती है, बहुत तालियां मिलती है, कुछ अवार्ड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे समाज में हैं, सोसाइटी में हैं, जो धर्म का काम नहीं करते, वो अपने काम को ही अपना धर्म बना लेते हैं। और ऐसे सर्वोच्च स्थान पे अगर आज मैं किसी को रखना चाहता हूं तो हमारा यशवंत प्रतिष्ठान है, हमारा यशवंत इंस्टीट्यूट है, हमारा ये जो टाकलकर क्लासेस है और उसके सर्वे सर्वा उनके फाउंडर हमारे शीतल भाई साहब है, मेरे परम मित्र पाटिल साहब है, हर्षवर्धन भाई साहब है, आपके अथाह प्रयत्नों से ही आपने सर विद्यार्थियों के मन में एक अपना जबरदस्त स्थान बनाया हुआ है। मैं मेरी बातें शुरू करूं उसके पहले खास तौर पे भारत विक्षम का ये जो गीत था, शीतल भाई साहब, ये आपने गीत नहीं लिखा, आपने क्रांति सर्ज दी है। मैं तो यहां जब सुन रहा था उस गीत को, मैं जो अनुभव कर रहा था, उस ताल पे नाचने की मैं कोशिश कर रहा था, ये राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ मेरी बंद आंखें देख रही है कि आने वाले दिनों में हर स्कूल में वो प्रार्थना के साथ में गाया जाएगा। वहां से लेके रिपब्लिक डे परेड तक, वहां पे हमारे जो भी सिपाही हैं, इस गीत के ताल से ताल मिलाकर वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये गीत नहीं है, आज ये गीत इस
परिसर के लिए, इस वातावरण के लिए एक संजीवनी बनने जा रही है। शीतल भाई साहब, जो मुर्दा है उसमें यह गीत जान डाल सकता है, जो सोए हुए हैं उनको यह गीत उठा के भागने के लिए मजबूर कर सकता है। भूषण भाई साहब और उनकी पूरी टीम, क्या सुंदर तरीके से आपने गाया। और भूषण विश्वनाथ जी, मैं तो आपके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि ए आर रहमान जी के साथ साथ, शंकर महादेवन जी के साथ साथ, जो जो जगह है कुछ खाली बची हुई है ना, आने वाले दिनों में बस ये गीत आपको वहां पर जाके खड़ा रखने वाला है। और शीतल भाई साहब, आगे बढ़ उसके पहले एक और सपन में यहां पे अनुभव कर रहा था, मेरी बंद आंखें कुछ और भी दृश्य देख रही थी। ठीक है, ये हमारा जो गणेश हॉल है शायद पुणे का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, लेकिन यशवंत प्रतिष्ठान, ये जो इंस्टीट्यूट है, ताकतगर क्लासेस है, आपने जो आपके अथाह प्रयत्नों से, आपकी संपूर्ण टीम ने जो दिन रात मेहनत करके, मेरे मित्र हर्षवर्धन भाई आज 23-24 साल की उम्र में इस संस्था के लिए 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जब इस तरह की कोई कार्यक्रम या व्याख्यान माला है आपके माध्यम से आयोजित की जाएगी, मेरी बंद आंखें वो ख्वाब देख रही है, उसके लिए ये हॉल कम पड़ेगा। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको आने वाले सालों में बालेवाड़ी स्टेडियम बिल्कुल बुक करना पड़ेगा शीतल भाई साहब, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे खेल आपके जुड़ चुके हैं। और ये जो मान सम्मान, ये जो सत्कार आपने किया, ये सिर्फ मेरे अकेले का मान सम्मान नहीं है, यहाँ सभागृह में उपस्थित मेरे अनगिनत दिव्यांग भाई बहन और देश के कोने कोने में बसने वाले मेरे करोड़ों दिव्यांग भाई बहनों का वो मान सम्मान है। और अभी 28 साल पूरे होने आएंगे मेरी शादी को, लेकिन आज आपने सोल और पगड़ी पिला के मुझे 28 साल के बाद वापस दूल्हा बना दिया। मेरी वाइफ यहाँ पे होती तो शायद वो बहुत खुश होती मुझे इस तरह से देखकर, लेकिन कोई नहीं, आपके आशीर्वाद है, वो मुंबई है कुछ काम से गई हुई है, लेकिन आपके आशीर्वाद बिल्कुल उस तक पहुंच रहे हैं। मित्रों, ये सब करने के लिए एक जबरदस्त विजन की जरूरत पड़ती है। अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए मार्क ट्विन, वो हर बार कहते थे राजेंद्र भाई साहब कि इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार तब जब उसका बायोलॉजिकल जन्म होता है और दूसरा जब उसको अपना विजन मिल जाता है। दिखता नहीं दिखता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है विजन से। और मेरे हिसाब से तो बिना विजन की जिंदगी मतलब बिना फ्यूल की कार की तरह है, उसका कोई मतलब नहीं है। हर्डल्स है, स्पीड ब्रेकर्स है, क्राइसिस है, लेकिन वॉरेन बफेट से लेके रॉबर्ट कियोसाकी तक ने दुनिया की ऊंची से ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े रहकर हर बार एक बात कही कि जहां पे क्राइसिस है वहीं पे अपॉर्चुनिटीज है। और इन तकलीफों, इन परेशानियों के लिए तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी उलझनों से ही हमें, जो हमारे प्रॉब्लम है, कि अपनी उलझनों से ही हमें अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों से हमें ढेरों रसीले फल मिले और उसके खारेपन में कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो जाके सागर से हर बार गंगा जल मिले। तो ये जिंदगी का जो खारापन है वही हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। रही बात ये अंध अपंग लाचार बेचारा शब्दों की, मैं सीधे से नकारता हूं इन शब्दों को। अरे 21वीं सदी में इस तरह से कोई प्रॉब्लम है भी तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे साथ में खड़ा है, इतने सारे मान्यवर हमारे साथ में खड़े हैं, लेकिन मेरे इतने सालों का अनुभव कहता है कि इस तरह की कोई तरी सारे के प्रॉब्लम से हमारे जीवन में सिर्फ दो बातें होती है, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती, सिर्फ दो बातें कि या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। दोस्तों, तो हम बिखरने की ओर आगे क्यों ना बढ़े, हम बिखरने का इतिहास रटने से ज्यादा हम निखरने का इतिहास रचने की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। और कविमन क्या खूब कहता है कि कौन कहता है, अरे कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है।
कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को? सुरेंद्र भाई साहब के कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को? कांधा किसी का चाहिए ही चाहिए। हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है? हमने तो कई मजारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, फूलों को खिलते देखा है। मुझे बताया गया, शीतल भाई साहब से मैं बात कर रहा था, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 10th और 12th के बहुत विद्यार्थी है यहाँ पे, है सामने है बहुत सारे 10th और 12th के विद्यार्थी विराजमान है। एक जोर से आप कहिए, सामने है बैठे हाँ कहिए, अरे इतनी बड़ी संख्या में, वाह वाह। डर लगता है बोर्ड एग्जाम से, मिल गया अर्चना बहन कि मेरा जो बोर्ड एग्जाम की तरफ का जो डर था ना वो बिल्कुल गायब हो गया। सामने 10th की किताबें पढ़ी थी, मां भी परेशान कि कैसे मेरे ब्लाइंड बच्चे को पढ़ाऊं, लेकिन उस दिन पता नहीं कहां से प्रेरणा मिली, दूर से मैंने उन किताबों को एक फ्लाइंग किस दी, पास जाके उनको मैंने चूमा, उनके साथ हाथ मिलाया और मैंने कहा आज फ्रेंडशिप डे है, अब कोई डराना डरना नहीं, आज से हम पक्के दोस्त बन जाते हैं। और वो जो फार्मूला मिला उसके बाद एमए की 2 डिग्रियां 8-8 डॉक्टरेट, लेकिन मुझे इन किताबों से कभी डर नहीं लगा। मित्रों, रिसर्च कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी सांपों की प्रजातियां हैं उसमें से 98% स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, बिन विषारी होते हैं। लेकिन अधिकतर बार ऐसा अनुभव किया जाता है कि पैर के पास से एक अर्थवर्म या बेचारा वो मासूम सा निर्दोष सा दो मुंह वाला सांप भी निकल जाता है, तो जो हमारे अंदर सांपों के प्रति की एक जो डर है, बस ऐसा लगता है कि कोबरा सांप हमारे के पैर के पास से निकल गया। कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि किसी को सांप ने काट दिया गलती से, तो सांप ने काटा है इस डर से वो बेहोश हो जाता है, या आधी तो तबीयत उसकी ये सुनकर या ये समझकर ही गड़बड़ हो जाती है कि मेरे को किसी सांप ने काट दिया। लेकिन जबकि ये रिसर्च कहते हैं कि 98% या उससे ज्यादा भी जो वर्ल्ड में जितनी भी सांप की प्रजातियां हैं उसमें पॉइजन नहीं होता, वो हार्मफुल नहीं होते। और मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी 10th की बोर्ड है या जो 12th की बोर्ड है ना, वो भी उन बिन विषारी सांपों की तरह है। ये हमने अपने अंदर एक हौवा बना दिया, हमने अपने अंदर एक डर बना दिया कि बोर्ड की एग्जाम है, बोर्ड की एग्जाम है, कैसे होगा। अब मैं बात बताऊं कि सालों पहले एक बहुत बड़े स्विमर हुए मार्क स्मिथ, उन्होंने जर्मनी में 1971 में जो ओलंपिक हुए उसमें 7 गोल्ड मेडल निकाले, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि किसी ने एक ही इवेंट में 7-7 गोल्ड मेडल हासिल किए हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पत्रकार मित्र जो सामने बैठे थे उन्होंने मार्क से पूछा कि कभी ये फ्लुक में या सौभाग्यवश शायद ये हो जाता है, और मार्क ने उन पत्रकार मित्रों को जो जवाब दिया बड़ा जबरदस्त था। वो जवाब आप सबको अपने साथ लेके जाना चाहिए कि ओलंपिक शुरू होने थे उसके 5 साल पहले मेरा एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर थे, डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि आगे चलकर मैं भविष्य में कभी स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा मन कह रहा था, मैं दृढ़ संकल्प था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने स्विमिंग करनी है, मैंने 1971 के जर्मनी ओलंपिक में भाग लेना है। हाथ ठीक होते होते फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, हाथ ठीक होते होते साल भर निकल गया, फिर सिर्फ 4 साल बचे थे जर्मनी में ओलंपिक होने को। और मार्क कहते हैं उन पत्रकार मित्रों से कि मैंने इन 4 सालों में एक 10,000 घंटों का एक फार्मूला बनाया कि मैंने इन 4 सालों में कम से कम 10,000 घंटे प्रैक्टिस करनी है स्विमिंग की। 10,000 घंटों को हम 4 सालों से डिवाइड करें तो करीब करीब 6 से 7 घंटे हर दिन का हो जाता है। मित्रों, ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो हमारी 10th की एग्जाम है, जो हमारी 12th की एग्जाम है, करीब करीब फेब्रुवरी एंड मार्च से शुरू हो जाती है, बीच के कुछ त्योहारों के दिन छोड़ दें,
तो आपके पास में करीब 200 दिन बचते हुए हैं, 7 महीने हैं, उसमें से 10 दिन निकाल दो तो 200 दिन है मित्रों आपके पास में। आप इन 200 दिनों में अब 10,000 घंटों का तो फार्मूला नहीं बना सकते, लेकिन आप इन 200 दिनों में जो खास तौर पे 10th की एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, 12th की एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, आप इन 200 दिनों में 400 घंटे, 600 घंटे, 800 घंटे, 1000 घंटे या उससे भी ज्यादा, मतलब दिन के रोज के 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, बस आप फार्मूला बनाओ कि बस मैंने इतना वक्त मेरी 10th की बोर्ड की तैयारियों में, मैंने 12th की बोर्ड की तैयारियों के लिए देना है। याद रखिए मित्रों, जब रिजल्ट आएगा ना, पूरा पुना शहर देखता रह जाएगा कि इस बार पुना को क्या हो गया, इन विद्यार्थियों को क्या हो गया कि 100 में से 100 विद्यार्थी 100% वे लोग 100% रिजल्ट लेके आए। मित्रों ये बिल्कुल होगा, बस सब कुछ भूल जाइए, बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन इस डर को निकाल कर जो भी थोड़ा बहुत यशवंत इंस्टीट्यूट के रहते हैं वैसे तो डर रहेगा नहीं, डॉक्टर विनोद जी और सुरेंद्र सर के रहते हैं डर रहेगा नहीं, इतने सारे मान्यवर यहाँ उपस्थित है तो ये डर रहेगा नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत डर है तो स्नेक वाली बात और ये मार्क वाली बात को ध्यान में रखकर बस आज कमर कस लो, एक दृढ़ संकल्प होके आगे बढ़ने की कोशिश करो, 100% रिजल्ट बिल्कुल हमको मिलने वाला है। दोस्तों मेरी कुछ बातें करूं तो माता पिता की इकलौती संतान, डेली दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी। डेली तो एक फैक्ट्री में एक दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते, एक डोमेला उठाने का काम करते, लेकिन उन दिनों सर्व शिक्षण अभियान की कोई व्यवस्था न होते हुए भी माँ ने मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलाया, और जब दाखिला मिला 6 साल की उम्र में, वही शायद मेरी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। गौरी बहन, सुलभा बहन, उन दिनों हमारे उस झोपड़ी नुमा एक कमरे के घर में दिवाली से त्योहार का वातावरण था कि चलो एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला तो मिला, लेकिन स्कूल के पहले दिन से समझ में आ गया कि कहीं तो भी गड़बड़ है, आपको दिखता नहीं, आप किताबें नहीं पढ़ पाते, आप ब्लैकबोर्ड नहीं पढ़ पाते, चलो साइड पे बैठो, एक कोने पे बिठा दिया जाता। मुझे भी लगता कि मैं भी ग्राउंड पे जाऊं, मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं, लेकिन मेरे हिस्से वो 4,500 स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते थे उनकी किताबें, स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स या वॉटर बैग संभालने से ज्यादा उन पर काम नहीं आता, कोने पे बिठा दिया जाता। लेकिन वो कोने में बैठे बैठे वो जो ऊर्जा बच गई ना, उस छोटे से घर में किसी क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई। कैसे गिल्ली मिट्टी लाओ, उसमें से कुछ शेप देने की कोशिश करना, बांबू ढूंढकर लाना, कैंची छुरी ढूंढना, उसमें से पतंग की बड़ी बड़ी कमाने बनाना, बड़ी बड़ी काइट्स बनाना, जो राइस पे रोजा जाता उसको छुपा के रखता, फिर अकेला होता तो खल बत्ते में कांच चूरा करना और मांझा बनाना, बस यही स्किल सीखने में मुझे बहुत खुशी होती और लगता कि जो समाज हर बार मुझे कोने में बिठा देता है, एक साइड पे कर देता है, एटलीस्ट मैं उनके सामने अपने आप को प्रूव कर सकूं। उन दिनों उज्ज्वला बहन स्कूल में लड़ाई बहुत होती, क्योंकि और जो विद्यार्थी मित्र थे वो ब्लाइंड अंधा अंधा करके चिढ़ाते, और उन दिनों 10, 12, 13 साल की उम्र में उनसे लड़ाइयां होती, यूनिफॉर्म फाड़ के रोते रोते घर जाना, किताबें कोने में फेंक के बस तकिए में मुंह डाल के रोने की शुरुआत जोरों से के बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन दिनों माँ जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सर पर हाथ फेर के हर बार वो एक ही आशीर्वाद देती कि भावेश तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि यहां तकिए में मुंह डाल के रो, अरे घर से बाहर निकल और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हट के करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तू नहीं देख सकता एटलीस्ट वो दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करे। मित्रों बात निकली है तो कुछ रिसर्च वाली बात भी बता दूं आपको, शायद आपको आने वाले दिनों में बड़ी काम आ जाए कि जब मां सर पर हाथ फेरती है ना तो बाल यूं बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब बीबी सर पर हाथ फेरती है, मेरी हालत देख रहे हो क्या हो रही है। मेरे पास में कुछ गर्लफ्रेंड वाले भी रिसर्च है, कभी अकेले में मिलोगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। माँ के आशीर्वाद ही थे सुरेंद्र भाई साहब के 10th के बाद कुछ अलग करने के चक्कर में हमने 2 पेडल वाली साइकिल बनाई, जिसको हम टेंडम साइकिल कहते हैं,
मेरा दोस्त उसको दिखता था लेकिन एक ही पैर, वो साइकिल चला नहीं पाता, तो उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना और पीछे बैठ कर मैं पेडलिंग करता। और इस तरह से गोंदिया महाराष्ट्र में उन दिनों में पड़ता था, विदर्भ में गोंदिया उन्हें तो तालुका था तो डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, तो गोंदिया महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस गोंदिया, हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में 16 साल की उम्र में, जिसको लिम्का बुक के साथ और कई रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया। सुभाषिता बहन, ये जो हर्डल, तकलीफ, स्पीड ब्रेकर, परेशानी, ये जो शब्द है वो कभी अकेले नहीं चलते, वो पूरे परिवार के साथ चलते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ प्रमोद भाई साहब, एक हाथ में तो एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास की दो दो डिग्रियां थी, लेकिन माँ नहीं थी। उन्हीं दिनों माँ का टाटा हॉस्पिटल मुंबई में 4 स्टेज ब्लड कैंसर से निधन हो चुका था। 50,000 के फ्यूडेरा 50 mg की इंजेक्शन माँ की कीमो के लिए मंगाए जाते थे। जो घर था, जो जमीन थी, पौने पौने दामों में बेची, दोस्तों रिश्तेदारों से लाखों रुपए का कर्जा हो गया। अंत में उन्होंने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए कि जब ये मिलता है पैसे मांगता है। हम तो उन दिनों अपने आप को बेचने के लिए तैयार थे कि कुछ भी हो जाए बस माँ को बचाना है। माँ को नहीं बचा सके, लेकिन वह डेली बिल्कुल फुटपाथ पे थे। इन सब परेशानियों के चलते डेली भी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको संभालना था। लेकिन बचपन से क्रिएटिविटी की चाह, 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स छूने का मौका मिला हर्षवर्धन भाई, और अंत तक माँ के कहे हुए वो आशीर्वाद के वचन कि भावेश कुछ अलग करने की कोशिश जरूर करना। कोई नौकरी न ढूंढा था, मैं महाबलेश्वर पहुंचा, मुझे तो सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए थे मेरी इस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए। काफी बैंकों के चक्कर लगाए, लेकिन बैंकों के पास मुझे 5,000 रुपये देने के लिए भी नहीं थे। वैसे आप सब जानती हैं कि बैंकें उन्हीं को कर्जा देती है जिसको खरे अर्थ में उस पैसों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मेरे पास और एक स्किल थी मसाज की। तो महाबलेश्वर आप जानते हैं होटल और रिसोर्ट्स का गांव है, आजू बाजू के होटलों में मैं एज ए मसाजिस्ट काम करता। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये जोड़ने की शुरुआत की, और जो मुझे लगने वाले 5,000 रुपये इकट्ठा हुए, मसाज के काम को हमेशा के लिए बंद किया। उन 5,000 रुपये में से एक सादी कास्टिंग की डाई मोमबत्ती बनाने की, जो 24 कैंडल प्रोड्यूस करती थी, जो लाइट जाने के बाद वो सादी मोमबत्तियां बनती है, और जो पैसे बच गए उसमें से 20 किलो कच्चा माल मोम मैंने खरीदा, और छोटे से भाड़े के कमरे में मैंने सनराइज कैंडल की नींव डाली। लेकिन जब तक हमारी बनाई हुई चीजें हम बेचे नहीं, काम आगे कैसे बढ़े। तो महाबलेश्वर की मार्केट में मेरा एक दोस्त था जो सुबह से शाम तक एक हैंड कार पे, एक रेकड़ी पे, एक हाथ गाड़ी पे अपनी चाय की दुकान लगाता। शाम को 5 बजे फ्री हो जाता तो 50 रुपये रोज पे मैंने वो हैंड कार भाड़े पे ले ली। इस 50 रुपये वो दिन भर की बनाई हुई कैंडल के साथ मुझे उस हाथ गाड़ी पे खड़ा कर देता और रात को वापस घर छोड़ने भी आ जाता। लेकिन आज मैं ये बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस हैंड कार पे जो एक में वो काम मैंने ठीक किया, वो ये था कि जो भी सामने कस्टमर आए, जो भी सामने ग्राहक आए, उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की, उनसे दिल से जोड़ने की कोशिश की, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो भावेश, तुम एक कच्ची गुजराती परिवार से आते हो जो अक्सर बिजनेस करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तुम अपने नाम की तरह बड़े इमोशनल किस्म के इंसान हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर बिजनेस करना है, बिजनेस में सफल होना है, तो सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, लेकिन आज तक मैं अपने प्रोफेसरों को नहीं समझ पाया। मैं तो समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार संजोग वश वो जमीन से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल भले हमारा लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर ग्राहक को मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की।
आप सब लोग भी आगे चल के अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाओगे, अपने नए नए स्टार्टअप शुरू करोगे। मित्रों बस ये मेरी बात ध्यान रखना कि हर एक ग्राहक, हर एक इंडिविजुअल ग्राहक हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इतने सभी मान्यवरों के मार्गदर्शन में आप तालीम करके आगे बढ़ोगे, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं ये ठीक है सर भाई साहब कि 1969 में 20 जुलाई को अमेरिका ने पहला अंतरिक्ष यान चांद पे उतारा और नील आर्मस्ट्रांग ने पहला पैर चांद की धरती पे रखा, लेकिन आप सब मान्यवरों के मार्गदर्शन में, यशवंत इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में चांद पे जब आने वाले सालों में कॉलोनियां बसेगी, तो आपके मार्गदर्शन में इतने जो एक से बढ़कर एक जबरदस्त स्टूडेंट तैयार हुए हैं, उन कॉलोनियों में अगर जो पहली दुकान बनेगी तो हमारे भारतीयों की बनेगी। दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखिए, आपने आज शीतल भाई साहब ये जो विकसित भारसम का नारा दिया है ना, ये नारा आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में, आने वाले शताब्दियों में ये सिर्फ भारत में नहीं गुंजेगा, वो वहां चांद पे भी गुंजने वाला है। शीतल भाई साहब एक इंडिविजुअल ग्राहक आपको किन ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी, उन दिनों हैंडकार पे जब मैं अपनी कैंडल बेचता था, मैं कस्टमर बिहेवियर पे काफी रिसर्च करता कि मेरे प्रोडक्ट को छूकर वे आपस में क्या बातें करते हैं, उनके अभिप्राय क्या है, और उनको ध्यान से सुनकर मैं अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी तैयार करता, और उस तरह से मुझे वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी मेरे प्रोडक्ट बेचने में बहुत महत्वपूर्ण मदद देती। कई बार ऐसा भी होता अर्चना बहन के सामने जो कपल आता, अपना हस्बैंड अपनी वाइफ को बड़ा इंसिस्ट करता होता, कह रहे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे माता पिता भाई बहन सबके लिए खरीद लो। राजेंद्र भाई साहब या जितने भाई जितनी बहनें सबको मालूम है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए इस तरह से इंसिस्ट नहीं करता। अरे हस्बैंड वाइफ मार्केट में साथ में भी जा रहे होंगे और दूर से हस्बैंड ने कहीं साड़ी की दुकान देख ली तो वाइफ को बातों में उलझा कर कब वो डेंजर जोन पार कर लिया जाए उसकी फिराक में रहता है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत वो हैंड कार्ड पे होता, हस्बैंड इंसिस्ट करता होता अपनी वाइफ को कि सबके लिए कैंडल खरीद लो, और साथ में उसकी वाइफ के हाथों से जो ढेरों चूड़ियों की आवाज आती तो मेरे कस्टमर बिहेवियर के रिसर्च मुझे बता देते कि सामने खड़ा बंदा नया नया शहीद हुआ लगता है, उसको अभी शादीशुदा जिंदगी का कोई खास अनुभव नहीं है। मैं तो सुरेंद्र भाई साहब इन कामों में इतना निपुण हो चुका था कि मैं उनकी बातों से उनको कितने साल हो गए शादी के मैं पहचान लेता, ये नए तो इंसिस्ट करता वाइफ के हाथों से ढेरों चूड़ियों की आवाज। अब 3-4 साल आला हुए होते तो हस्बैंड कहता अपनी वाइफ से अच्छा कैंडल है ठीक है एक आधी ले लो, 14-15 साल वाले आते तो अपने आप पुणे में सब कुछ मिलता है, क्यों यहाँ से वजन उठा के लेके जाने की जरूरत है, और 30-35 साल वाले आते तो इकट्ठा ही कहाँ चलते, पहले हस्बैंड स्टॉल पे आता तो पीछे 30-35 मीटर दूर बिचारी वाइफ धीरे धीरे आवाज लगाती होती, और मुझे तीसरी और चौथी कैटेगरी के ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट बेचने में बहुत मजा आता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम हर एक ग्राहक को इतना ही महत्व दें, क्योंकि एक ग्राहक आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब ये नौकरी मांगने वालों का जमाना नहीं रहा, ये तो स्टार्टअप का जमाना है। दोस्तों आने वाले सालों में नक्की आप अपना अपना एक बड़ा अलग सा स्टार्टअप शुरू करोगे, तब मेरी बातें आपको बहुत काम आने वाली है। उन दिनों हैंडकार का ऐसा ही कपल का आना और वही बातें चलना, मुझे रहा नहीं गया, पूछने पे पता चला कि 10 दिन पहले उनकी शादी संपन्न हुई है। जट से मैंने सुभाषिता बहन वो एक जो कैंडल मेरे हाथ में लगी हैंड कार्ड में जो पहले 60 रुपये वाले फ्लोटिंग फ्लावर था, मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट देनी चाहिए, थोड़ा हेजिटेट भी हुए, गिफ्ट रखी जो 200-600-800 रुपये की जो कैंडल खरीदी उसके दाम चुका है। जाते जाते जिस ग्रोसरी शॉप के सामने मैं अपनी हैंड कार्ड लगाता था उसका लैंडलाइन नंबर लिया गए, 15 दिन के बाद उस लैंडलाइन नंबर पे मेरे लिए सुनो भाई साहब फोन आया, भावेश जी पहचाना मुझे, मैं कुछ कहूँ, उसके पहले उन्होंने शुरू कर दी अपनी बातें कहना कि आपने कुछ दिन पहले जब मैं आया था आपने हमें वेडिंग गिफ्ट दी थी। हाँ सर कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। उन्होंने कहना शुरू किया कि देखो भावेश जी मैं अपना कार्ड उन दिनों नहीं दे पाया आपको, लेकिन यहाँ पुणे इंफोसिस में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ और
40 दिन के बाद हमें बहुत प्यारा एक यहाँ पर फंक्शन रखा हुआ है, फेस वन फेस टू के मिला लो तो करीब 22 से 23 हजार एम्प्लॉई है। आपके रहने खाने की सब सुविधाएं मैंने कंपनी के गेस्ट हाउस में कर रखी है, दोनों जगह आपके बिना पूछे मैंने स्टॉल रखवा दिए हैं, बस आप लास्ट को इतनी कैंडल लाओ। मैंने इस बड़े से जो मुझे एक मौका मिल रहा था उसके लिए उनके कोटि कोटि धन्यवाद दिए। उन दिनों 50-60 डिजाइन में कैंडल्स में बना लेता था, मैंने मार्केट जाना बंद किया और दिन भर मैं उन कैंडल्स को ज्यादा से ज्यादा कैसे बना सकूं उसके लिए दिन रात मैं मेहनत करने लगा। तय दिन जो भी स्टॉक हुआ दो गाड़ियों में भरकर कुछ दोस्तों को हमने वॉलंटियर के तौर पर लिया उज्ज्वला बहन, और हम पहुंच गए इन्फोसिस में। जैसे उन्होंने वादा किया था हमारे रहने खाने की तो व्यवस्था थी, लेकिन एक और बड़ा प्यारा काम किया था कि हर एक एम्प्लॉय को उन्होंने मेल करके मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बता के रखा था विनोद जी कि हम आपको भिजवा देंगे। कंपनी ने आने वाले त्योहारों के लिए हमें बहुत काम दिया, और शीतल भाई साहब वो 60 रुपए वाले फ्लावर ने यह कमाल किया कि जब हम इन्फोसिस से वापस लौटे 19 लाख रुपए का बिजनेस लेके लौटे शीतल भाई साहब। एक स्ट्रीट होकर के लिए एक बहुत बड़ा जंप था। अब आप तो जानते हैं कि आईटी वाले पूरी जिंदगी थोड़ी बिताते हैं कंपनी में, वहां के जब एम्प्लॉय दूसरी कंपनियों में गए उन्होंने हमें वहां जोड़ा, जब वे लोग महाबलेश्वर आए अपने परिवार के साथ तब जो बिजनेस दिया ये तो सब बोनस वाली बात थी। लेकिन उज्ज्वला बहन, अर्चना बहन, नीता बहन, आपको खास तौर पे कहना चाहूंगा क्योंकि नीता बहन आपका नाम में बहुत एक महत्व है, आगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उन दिनों हैंडकार्ड पे एक ऐसी बात हुई जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। रोज की तरह शाम को हैंडकार्ड पे मैं अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा था तो बड़ी रुबाबदार आवाज आई, कहां से लाते हो? उन सामने जो मैडम खड़े थे उनको मुझे कन्विंस करने में 15 मिनट लग गए कि भाई मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता। मेरी बात समझ में आई तो 2-2.5 हजार रुपए की कैंडल खरीदी, जाते जाते मुफ्त की सलाह भी देनी चाहिए, कैसे मैनेज कर लेते हो अकेले, कोई मददनीश क्यों नहीं रख लेते? उनको मैंने बड़े सीधा सीधा कहा कि मददनीश से पगार कहाँ से निकालूं, बड़ी मुश्किल से तो मेरे डैडी का गुजारा होता है। उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि देखो मिस्टर, मैं तो बचपन से महाबलेश्वर आती हूँ, सब कुछ घुमा हुआ है, साइट सीन वगैरह, बस पूरा परिवार 2 महीना समर में इकट्ठा रह सके इसलिए यहाँ पे बड़ा सा बंगलो लेके हम लोग सब लोग आए हुए हैं। शाम को मैं भी फ्री होती हूँ, आप चाहो तो मैं आ जाऊँ आपको मदद करने के लिए। अब टूरिस्ट सीजन अपनी सवाब पर थी और फ्री में मददनीश मिल रहा था, कौन छोड़े? मैंने हामी भर दी और दूसरे दिन से उस मैडम ने मुझे रोज शाम को आके उस स्टॉल पे मदद करनी शुरू की, कैश ट्रांजेक्शन, पैकेजिंग, मेरे प्रोडक्ट के बारे में सामने आया, ग्राहकों से बात करना, तो मुझे मेरे बिजनेस को भी बहुत मदद होने लगी। सुंदर भाई साहब, राजेंद्र भाई साहब, मैं दिन में कितनी कितनी बार उनको धन्यवाद देता, जब भी फ्री होते मेरे बारे में जानने की कोशिश करती वो, मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करता। मुंबई के बहुत रिच बहुत संपन्न परिवार की वो इकलौती वारिस थी, मुंबई में 8-8, 9-9 पेट्रोल पंप चलते थे। 17-18 दिनों में तो बहुत प्यारी दोस्ती हो चुकी थी हमारे दोनों के बीच में, लेकिन गड़बड़ 19वें दिन हो गई। हम स्टॉल पे थे, शायद वीकडेज होने से टूरिस्ट भी कम थे, हम आपस में बातें कर रहे थे तो उसके तरफ से एक बात आई, भाई जी बात कहनी है लेकिन मेरी बात अच्छी न लगे तो सुनी अनसुनी कर देना, जरा भी मन पे लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा आप कल परसों से वापस मुंबई जाने वाले हैं, मदद करने नहीं आने वाले होंगे इसलिए इस तरह से बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आप बेझिझक कहिए क्या कहना चाहते हो, देखो मुझे प्रॉमिस करो आप मेरी बात अच्छी ना लगे तो बस आप जरा भी मन पे लेने की नाराज होने की जरूरत। मैंने कहा मैम कहिए तो क्या कहना चाहते हो, और कुछ क्षण के विलंब के बाद उसके तरफ से बात आई, भावे शादी करोगे मुझसे? पीछे नगर पालिका की खुली गटर बह रही थी, मैं तो गिरते गिरते बचा। वैसे गौरी बहन बता दो उन दिनों में हैंडसम बहुत हुआ करता था, अपने आप को संभलती हुए मैंने कहा कहां आप कहां मैं, घर में कुत्ता बिल्ली भी पाल लो तो उससे भी प्यार मोहब्बत हो जाती है, लेकिन कैसी ये मुमकिन है, कोई तालमेल ही नहीं है। लेकिन जो बात उसने कही एक एक शब्द आज भी मुझे याद है कि भावेश मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में किए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा, मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कोई बात ही समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ 18 दिन काम करके अब खरे अर्थ में मुझे मेरी जिंदगी का गोल मिल चुका है।
तुम्हारे पास एक बड़ा यूनिक सा आर्ट है, लेकिन तुम एक सच्चे साथी की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, और ऐसे अनगिनत हमारे ब्लाइंड और दिव्यांग मित्र हैं जिनके लिए हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मैं उसकी बातों को ना नहीं कह सका, हमने तो उस फुटपाथ पे एग्रीमेंट कर ली, लेकिन शीतल भाई साहब वो अनारकली के लिए एक मुगल बादशाह थे, मेरे लिए मुगल बादशाहों की पूरी फौज थी, सब रिश्तेदार खिलाफ हो गए जो महाबलेश्वर आए थे कि कैसे मुमकिन है। हमारी लड़की कहती कि स्ट्रीट टोकर से शादी करना चाहती, जिसको दिखता नहीं, जिसका कोई भविष्य नहीं, सब विरुद्ध थे। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसके माता पिता कन्वेंस हुए, लेकिन उन्होंने भी बीच का रास्ता निकाला कि चलो अभी एंगेजमेंट करते हैं, एक साल के बाद शादी। उनको लगता था सर एक साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, वो अपनी जगह मैं अपनी जगह। लेकिन बाद में मैं कहां मानने वाला था, माननीय सुरेंद्र गांधी जी का शिष्य, एकदम एक बार मन में ठान लिया तो ठान लिया, एकदम ढीढ़ किस्म का इंसान। हर हफ्ते मुंबई पहुंच जाता मैं उससे मिलने के, कहीं वो अपने विचार न बदल दे। अब एक स्ट्रीट होकर एक फेरी वाला पैसे कहां से निकाले, तो आजू बाजू के और जो स्ट्रीट होकर थे उनसे उधार के पैसे लेके मुंबई जाना, और उन उधार के पैसों में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में 8-9 घंटे के सफर में मेरे दिल से हर बार एक ही बात निकलती कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है, और तमन्ना ये है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। यहाँ जितने बेचलर हैं, मैं तो आपसे विनंती करूंगा हर्षवर्धन भाई साहब के माध्यम से कि बस आप मेरी लाइनों को रट्टा लगा लो, आपको आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाली है। हर हफ्ते होता कि उसके लिए कुछ मैं गिफ्ट लेके जाऊं, लेकिन शीतल भाई साहब साल भर हर हफ्ते मैं उससे मिलने मुंबई गया, लेकिन एक भी गिफ्ट नहीं खरीद पाया। क्योंकि जब जब मैंने उसके लिए कोई तोहफा खरीदने की बात सोची, मुझे लगा मेरी वो छोटी सी गिफ्ट उसकी उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखेगी, चलो कुछ फ्लावर ही ले लेते हैं, लेकिन फ्लावर भी नहीं खरीद पाया। क्योंकि जब जब मैंने फ्लावर खरीदने की बात सोची, मेरे दिल का धड़कन ने एक ही बात कही कि वो इतनी हंसी है, अरे वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं, कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं, उसको क्या गुलाब दूं। एक साल पूरा हुआ, मैं नहीं चाहता था कि वो अपने घर से एक रुपया भी लाए, मेरी इन भावनाओं की उसने बहुत कदर की, और महाबलेश्वर के स्कूल के क्लासरूम में मित्रों को चाय शरबत पिला के हमने शादी संपन्न की। तीसरे चौथे दिन से उस हैंडकार पे, उस फुटपाथ पे वापस हमने काम शुरू किया। फुटपाथ की इस तरफ हम खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसके दूसरे तरफ रस्तों पे से हमारे अनगिनत दिव्यांग, हमारे दृष्टिबाधित मित्र लकड़ियां पटकते हुए भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। पता नहीं उन्हें कहां से समझ में आ जाता कि महाबलेश्वर में टूरिस्ट सीजन है, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और वो भिक्षा के लिए वहां पे आ जाते, ये बहुत दुखद होता। ऐसे ही एक 5-6 ब्लाइंड मित्र जब हैंडकार के सामने से निकले, मेरी वाइफ, उसका नाम भी नीता है, उसने उन 5-6 मेरे ब्लाइंड मित्रों को हैंडकार पे बुलाया, हमने चाय मंगवाई, कुछ दोस्ती करने की कोशिश की। काफी फोर्स करने पे पता चला कि दिन भर की भिक्षा से वो 80-90 रुपए जोड़ी लेते हैं। उन दिनों मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी थी। मैंने उसको 300 रुपये रोज के देने का वादा करके वो भिक्षा के उस